प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी महीने देश में खाद्य तेलों का आयात बीते 8 महीने के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। जून में 11,62,000 टन से ज्यादा खाद्य तेल का आयात हुआ, जो कि बीते साल जून में 10,71,000 टन खाद्य तेल का आयात हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक जून में पाम ऑयल का आयात घटकर महज 3,000 टन रह गया, जो कि साल भर पहले 2,50,000 टन से ज्यादा था। 1994 में खाद्य तेलों का आयात शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब इतना कम पाम ऑयल का आयात हुआ है। हालांकि इसके पीछे आरबीडी पामोलिन को प्रतिबंधित व्यापार श्रेणी में डालने की वजह माना जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर दूसरी तरफ देखें तो सूरजमुखी और सोयाबीन तेल जैसे सॉफ्ट ऑयल के आयात में इजाफा हुआ है। इस साल जून में 2,68,000 टन सूरजमुखी तेल और 3,31,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है। जी, तो इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ कन्वीनर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फाउंडेशन विजय सरदाना जी जुड़ गए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये एक महत्वपूर्ण अहम स्टोरी कि जो एडिबल ऑयल्स हैं खाद्य तेलों के मामले में भारत जो है अब जून महीने में अगर देखें तो पिछले 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने आयात में, और खासतौर से इस कोरोना के काल में ऐसा नहीं है कि हमारे किसान तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं बन रहे। ये बताइए कि इस वक्त इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, इस वक्त सरकार जून महीने में जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं इसका क्या आधार है, हम क्यों आयात कर रहे हैं तिलहन में जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की आबादी करीब 138 करोड़ है, और 138 करोड़ के लिए जो हमारा तेलों का खपत है, खाद्य तेलों का, वो करीब 23 से 24 मिलियन टन है। और 23 से 24 मिलियन टन में अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो वो मात्र 30% है। तो अगर हम आज 65-70% आयातित तेलों पे निर्भर हैं, और कोरोना के शुरू के महीनों में क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट थे, लॉकडाउन था, शिपिंग सिस्टम्स में दिक्कत थी, सब कुछ बंद था, इसलिए वो आयात थोड़ा कम हुआ था। जैसे जैसे हालात नॉर्मल होंगे वैसे वैसे आयात भी पुराने स्तर पर वापस आ जाएगा। तो सर, एक तरफ तो बात हो रही है आत्मनिर्भर होने की, लोकल को वोकल बनाने की। निर्मला सीतारमण जी भी कितने ही मंचों पर ये बोल चुकी हैं कि अब हमें तिलहन के किसानों को और ज्यादा बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर बनाना है, रकबा बढ़े। अब जब इनकी बात मानकर जब किसान, हमारे देश के किसान उस तरफ, उस राह पर चल पड़ते हैं तो फिर इस तरह की ठेस, इस तरह की चोट। देखिए, बात आपकी सही है, हमें इसके तेलों के आयात के इतिहास पे जाना पड़ेगा। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है। करीब 20-25 साल पहले हम मात्र 10-12% अपनी जरूरत का तेल आयात करते थे, लेकिन देश की आबादी बढ़ती गई, परचेजिंग पावर बढ़ती गई, ईटिंग आउट हैबिट्स बढ़ती गई, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया, तो निश्चित रूप से तेलों की खपत बढ़ी। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। उसके 2-3 कारण है जो हमें समझने पड़ेंगे। जब इस देश में खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ी और उस समय तेल जितना इस देश में पैदा होता था, तो किसी ने सरकार को यह सजेस्ट किया कि साहब आप आयात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ते हैं, आप आयात कर लीजिए तो कंज्यूमर को सस्ते में आप लोग तेल दे पाएंगे, जो राजनीतिक दृष्टि से भी आपके लिए ठीक होगा। तो भारत सरकार ने बगैर सोचे समझे उस समय, करीब 1990-95 के आसपास की मैं बातें कर रहा हूं, बगैर सोचे समझे कि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कस्टम्स ड्यूटी घटा दी गई और बड़ी मात्रा में तेलों का आयात शुरू किया ताकि कंज्यूमर्स को सस्ता मिले। और कंज्यूमर का ध्यान रखने के चक्कर में हमने कंज्यूमर्स को दी गई, ना कि किसानों को। देखिए, आप देश का 70 साल का इतिहास उठा के देखिए, हमेशा एग्रीकल्चर पॉलिसी कंज्यूमर्स के लिए बनी है, कभी किसानों के लिए नहीं बनी। और अगर हम किसानों की बात करते हैं, जब जितने कानून बने हैं आज तक इस देश में वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए बने हैं। एक कानून बता दीजिए जहां पे ये लिखा हो कि ये कानून किसानों की
आमदनी को सुनिश्चित करता है या किसानों के लिए बाजार सुनिश्चित करता है या किसानों के लिए टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करता है या किसानों के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज ट्रेनिंग सुनिश्चित करता है, एक कानून मुझे बता दीजिए, कुछ भी नहीं है। जितने इस देश में कानून बने वो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बने और आज उसका खामियाजा हम इस देश में उठा रहे हैं, खासकर तेलों के मामले में या बाकी चीजों के मामले में। हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कहने को तो दुनिया की एक बहुत बड़ी कृषि महाशक्ति के रूप में अपने आप को हम प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे तो हम दुनिया के सबसे गरीब देशों से भी बहुत क्षेत्रों में पीछे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमने खेती के साथ पिछले 70 साल में सिर्फ राजनीति करी है, हमने कभी खेती को सीरियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना। और उसका खामियाजा ये है कि आज 70% तेल आपको आयात करना पड़ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कंज्यूमर परेशान है कि उसको क्वालिटी का सामान नहीं मिलता जो इस देश में पैदा होता है, तीसरी तरफ हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और चौथी तरफ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना तो हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी रॉ मटेरियल है ना हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। तो 70 साल जितनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनी वो एडॉक बनी, जिस नेता का, जिस मंत्री का, जिस राजनीतिक पार्टी का जो मन था उसने खेती के साथ खिलवाड़ किया ताकि राजनीति चलती रहे, वोट चलते रहे, और किसान को सिर्फ इलेक्शन से पहले आपने सब्सिडी घोषित कर दी और कोई ब्याज माफी कर दी और राजनीति चलाते रहे। यही हुआ है आज तक खेती के साथ। जी, एक बात बताएं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि पाम ऑयल के मामले में तो आयात कुछ पहले से कम हुआ है, लेकिन अगर बात करें सूरजमुखी की और सोयाबीन की तो वहां आयात बढ़ा है, बल्कि इन दोनों मामलों में भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है, पूरी पूरी उसके पास इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ के किसान उस लेवल पर पहुंचा दे। और अगर सरसों के किसानों की बात करें तो वो भी भाव नहीं मिलने की वजह से इतने परेशान हैं, तो किस तरह का असर आप देख रहे हैं अब आने वाले समय में जब ये आयात होगा उससे किस तरह के भाव लुढ़केंगे, और कोरोना इस काल में ये किस तरह की सीख होनी चाहिए, किस तरह की नौक होनी चाहिए अब सरकार के सामने कि एक राइट पॉलिसी को सामने रखें। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि तेलों के अगर थोड़े दाम बढ़ते हैं तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कारण यह है कि एवरेज कंजम्पशन एक आदमी का 1 किलो है महीने में, और जब हम 1 किलो पर मंथ की बात करते हैं तो अगर 5 रुपए लीटर या 5 रुपए किलो भी अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हम 30 दिन में 5 रुपए की बात कर रहे हैं जी। तो इसलिए इस बात को लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक कंज्यूमर 15 पैसे या 20 पैसे रोज अपने ऊपर अच्छे तेल के लिए अपने किसानों के लिए नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि पहले सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हमारी नीति क्या है। हाँ, थोड़े से तेल के दाम बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे जितना हवा खड़ा कर दिया जाता है या डराया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में किसानों की हालत इसलिए खराब है कि क्योंकि तेल जब कंज्यूमर को ये कहा जाता है कि हम आपको सस्ता तेल दे रहे हैं और जितना आपके देश में पाम आता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारत सरकार के अधिकारियों से पूछिए कि ये सारा पाम तेल जाता कहां है। कंज्यूमर मार्केट में हमने तो कभी किसी को खरीदते देखा नहीं। हकीकत यह है कि जितना तेल पाम का आता है काफी हद तक वो मिलावट में भी जाता है, और इस देश में FSSAI जो संस्था है जो मिलावट को कंट्रोल करती है, आज तक FSSAI संस्था ये हमें बताए कि कितने मिलावटखोरों को उन्होंने जेल में डाला। तो एक तरफ हम उस तेल को आयात कर रहे हैं जो मिलावट के काम आता है, दूसरी तरफ जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी है मिलावट रोकने की वो सब आंख पे पट्टी बांधे बैठी हैं। और आंख पे पट्टी क्यों बांधी जाती है, आपको पता है कि जिस तरह से फूड डिपार्टमेंट में करप्शन है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में करप्शन है, उसका खामियाजा एक तरफ किसान को उठाना पड़ता है क्योंकि इस देश में उतना सरसों का तेल बिकता है जितनी हम इस देश में सरसों पैदा नहीं करते। सरसों पैदा जितनी नहीं होती उससे ज्यादा हम तेल बेच देते हैं। तो ये हालत है इस देश की। व्यापार में हर आदमी को पता है, हर दुकानदार को पता है कि तेल में मिलावट है, लेकिन सिर्फ उन अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं पता जिनको मिलावट रोकने की जिम्मेवारी है।
इसका मतलब जानबूझ के मिलावट खोरों के साथ मिलकर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। पहला आरोप मैं लगा रहा हूं और इसमें सच्चाई है, अगर गलत हो तो अधिकारी अपने डेटा जनता के सामने रखे, पहली बात। दूसरी बात आती है प्रोडक्टिविटी की। आपने कहने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा जी। आपको किसानों को सही बीज देने पड़ेंगे, उनको एक्सटेंशन सर्विस देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि कैसे तिलहन की पैदावार की जाए। उसके लिए इंडस्ट्री की तरफ से हमने कई फोरम्स में सरकार को यह कहा है कि आप जितना आप तेल आयात करते हैं आप उसमें कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दीजिए। आपने जिस तरह की बातों को सामने रखा सरदाना जी, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखे हैं और हम चाहेंगे कि नीति निर्धारक जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन वैलिड पॉइंट्स की तरफ निगाह डालें, ध्यान दें और इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि जो किसान हैं उनका कोई खामियाजा ना उठाएं और जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी सही तरह का खाद्य तेल उपलब्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।